माने भक्ति सा नवमे मता, गुसाई जी ने भक्ति करके अपने ठाकुर को कैसे रिझायो, फुल फ्लेज उनको टोटल इन्वॉल्वमेंट क्या हो तो ठाकुर जी की सेवा में, अहंता ममता को दारागार पुत्र आप्त वित्त के सहित हर तरह से उनको सेवा में अपने ठाकुर जी का इन्वॉल्वमेंट क्या हो तो वाकी स्टोरी नैरेट कर रहे हैं, एकदम फोकस करके अपने पुष्टि मार्गी सेवा को प्रकार पर फोकस कर दिया है। ये यदि प्रकार है तो ये भक्ति को प्रकार है, ये रोल मॉडल है, और ये मॉडल लीलानुसंधान के कारण प्रकट भयो रोल मॉडल है, और ये लीलानुसंधान के कारण प्रकट भयो रोल मॉडल होने के कारण मैं वाकी कथा गा रहे हूँ। अहम हरे स्तव पादई कमूल दासानु दासो भवितास्मि भूया मन स्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक कर्म करो तुकाया। आखो वो मॉडल एडॉप्ट करके, और ये जो है वो गोपाल दास जी नवम स्कंध को यहाँ कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप सेवा करी सीखवे श्री हरि, भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की दो आपनी लीला ते वदन पोते कही उच्चार आनंद ते अधिक दी दो। मने सेवा कथा जो अपने यहाँ को सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवेत यावत जीवम तस्य नाशो न क्वापीति मतिर मम, वो जो एक मॉडल है तो आइडियल वाकु गुसाई जी ने अपने लाइफ में कैसे अपना के एक वा रोल के वो मॉडल बने हैं गुसाई जी, वा में ईशानु कथा को प्रकट करी, और वहां से उनकी कथा के माध्यम से उनकी दिनचर्या उनको जो टाइम टेबल है वह टाइम टेबल के आधार पर भक्ति कैसे करनी वो समझा रहे हैं, मैं कैसे भक्ति करूं ये नहीं समझा रहे हैं, सिद्धांत क्या है भक्ति को कैसे नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि ईशानु कथा है ना, आफ्टर ऑल ये ईशानु कथा है, ईशस्य अनुगामी नाम कथा, ईश के अनुगामी की कथा, तो वो ईश के अनुगामी की कथा या तरह से गोपाल दास जी शुरू कर रहे हैं। और वहां में सबसे बड़ी बात इनकी गोपाल दास जी की अवेयरनेस देखो पुष्टि मार्ग के सिद्धांत के प्रति, कि महाप्रभु जी स्पष्ट ये बात को आज्ञा कर रहे हैं कि जब अपन ठाकुर जी की सेवा करें तो ठाकुर जी को परायो मान के नहीं करें, यदि तुम परायो मान के सेवा कर रहे हो तो तुम्हारो या तो सात्विक भाव है या राजस भाव है या तामस भाव है। महाप्रभु जी स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं विष्णु स्वामी को अनुयायी होते भय भी सेवा को जहां तक इश्यू है अस्मत् प्रतिपादितंतु नैर्गुण्यम, अस्मत् प्रतिपादंतु तंतु नैर्गुण्यम मतलब क्या कि मैं भी ब्रह्म हूं तू भी ब्रह्म है सेवा भी ब्रह्म है, सेवा में जिन पदार्थन से कर रहे हूं वो भी ब्रह्म है, सब कछु ब्रह्म है, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे वा लीला के मोड में मैं सेवा कर रहे हूं, मेरे कोई कर्तव्य के अहंकार के या कुछ अचीवमेंट करने के कि कोई सिद्ध को कोई साध्य को सिद्ध करने के मूड में नहीं कर रहे हूं, हर एस्पेक्ट या के जो पॉइंट है या सेवा के जाकी सेवा कर रहे हूं जासू सेवा कर रहे हूं जो सेवा कर रहे हूं जाके कारण सेवा कर रहे हूं प्रमाण प्रमेय साधन फल सब कुछ सर्वंग खलु इदम ब्रह्म है, ये भाव समझ के जा वक्त अपन सेवा करें तब निर्गुण भाव है नहीं तो सगुण भाव है। महाप्रभु जी कह रहे हैं अस्मत् प्रतिपादितंतु नैर्गुण्यम, आप सेवा करी, वह बात को देखो वो बता रहे हैं कि आप सेवा करी सीखवे श्री हरि भक्ति पक्ष वैभव, माने सेवा करने वालों भी ब्रह्म है सेव्य भी ब्रह्म है, जो सेवा जिन बातन से की जा रही है वो भी ब्रह्म है, सेवा का प्रयोजन भी वाकी लीला ही है अपनी कृति नहीं है, बात समझ आई, सेवा को प्रयोजन सेवा को जो रिजल्ट है सेवा को जो फाइन प्रोडक्ट है वो भी वही है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अविर ब्रह्माग्न ब्रह्मनाउतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, वा मूड में सेवा करी तो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत सेवा होगी, और यदि या तरह से सेवा करी कि हम सेवा कर रहे हैं और हमारी सेवा है और हम ठाकुर जी को प्रसन्न कर रहे हैं, तुमको तो ठाकुर जी को प्रसन्न करना ही नहीं आवे है क्योंकि तुम्हारी लायकात क्या, अरे भाई तुम्हारी लायकात क्या तो तुम्हारी लायकात क्या, यदि हम नालायक हैं तो ब्रह्म की एक वैरायटी है, तुम लायक हो तो एक ब्रह्म की वैरायटी, ब्रह्म की वैरायटी में अपने मेरे क्या डिफरेंस कहां आयो, डिफरेंस कहां आयो, मान लो कि हम नालायक हैं वैरायटी कौन की है ब्रह्म की, तुम लायक हो वैरायटी कौन की हो ब्रह्म की वैरायटी, तुम्हारे मेरे में अंतर कहां आयो, अंतर कहां आयो ब्राह्मिक पर्सपेक्टिव में, ब्राह्मिक पर्सपेक्टिव माने ब्रह्म संबंध के पर्सपेक्टिव में, बात समझो,
जितनो तुम्हारो ब्रह्म संबंध है उतनो मेरो ब्रह्म संबंध है, जितनो मेरो ब्रह्म संबंध है वासु एक पॉइंट तुम्हारा ज्यादा नहीं है और तुम्हारे सु एक पॉइंट कम मेरो ब्रह्म संबंध नहीं है। क्योंकि ब्रह्म को तो जहां भी मैंने सर्वेशम ब्रह्मता तथा गंगात्वे सर्व दोषाणाम गुण दोषादि वर्णना गंगात्वे न निरूप्यास्य तद्वद अत्रापि चाहिए। जहां तक ब्रह्म के साथ रिलेशन को सवाल है वहां में लायकात अलायकात को सवाल क्या है। यदि लायकात को कोई सवाल हो तो ना तो सीधी सी बात है कि ते नाधीत श्रुति गणा नोपासित महत्तमा केवले नहीं भाव भावे न गोप्यो गाव खगा मृगा येन्य मूढ़ धियो नागा सिद्धा मामी उरंसा। कौन सी लायकात थी? लायकात तो कुछ भी नहीं आती, पर सबसे बड़ी एक लायकात क्या आती कि जिनके साथ ये लीला कर रहे हो तो निरोध की वो भी ब्रह्म थे, जो लीला कर रहे हो तो वो भी ब्रह्म थे। निरोध की लीला भी ब्रह्मात्मिका है, ऐतदात्म्यम इदम सर्वम है। वहां में निरुद्ध होने में देर कितनी है? जितनी देर अपन ने सोचो नहीं उतनी देर है, सोच लियो तो अपन ऑलरेडी निरुद्ध हैं। समर्पण में देर कितनी है? जितनी देर अपन ने वा मूड को एक्वायर नहीं कियो उतनी देर, वा मूड को एक्वायर कियो तो समर्पित ही है। जैसे कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी पर बैठने में आपको कितना समय लगेगा, पृथ्वी पर बैठने में आपको लायक बनने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? जो भी कुछ साधना करोगे पृथ्वी पर तो बैठ के करोगे ना, तो हमें समय लगने को सवाल कहां से आया? वह हमें अधिकारी को सवाल कहां आयो? जब अपन कह रहे हैं कि पृथ्वी पर बैठने की लायकात में डेवलप कैसे करनी, अरे लायकात नहीं बैठे बच्चा को नहीं ले बैठना बैठना हुआ तो लेटियो कहां है? पृथ्वी पे। बीमार पड़ गए मरने की तैयारी है जा रहे हो पर लेटियो कहां हो? पृथ्वी पे। दफनायो कहां जाएगो? पृथ्वी पे। जलायो कहां जाएगो? पृथ्वी पे। तो पृथ्वी पे लायकात को सवाल कहां आवे? लायकात को सवाल आकाश में आवे, भूमि पे सवाल नहीं आवे। और भगवान की जो लीला है वो कैसी है? प्रपंचाधिकरणी का लीला है, भक्ति की भी और धर्म की भी। भक्ति कहां सिद्ध करनी है? भगवान एव ही फलम स यथाविर भवेत भुवि, भुवि पे वह लीला प्रकट होनी है। तो भुवि के लीला पे प्रकट होने में योग्यता अयोग्यता को सवाल कहां से आ रहे हो यार? ब्रह्म के पर्सपेक्टिव में जो योग्य है वो भी ब्रह्मात्मक है, जो अयोग्य है वो भी ब्रह्मात्म है। माने खुद वेद की स्तुति में ये बात कही गई है कि जो तेरे को द्वेष भाव से भज रहे हैं उनको भी तू वैसे ही मिल रहे हो है, जो तेरे को काम भाव से भज रहे हैं उनको भी तू वैसे ही मिल रहे हो है, जो तेरे को शांत भाव से भज रहे हैं उनको भी देते हो। तो तेरे लिए तो सारे ही प्रकार तेरे को अप्रोच करने वाले के समान है, हमारे में ये डिफरेंस आ रहे हो, तेरे में तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहे हो क्योंकि तू कॉमन है सबके लिए। भुजदंड विषक्त धियो वयम अपि तेज समा समदृशोंघ्रि सरोज सुधा। तेरी अंघ्री की सुधा, तेरे चरणन की सुधा ऐसी है, तेरी आंख की देखने की छटा ऐसी है कि कोई के डिफरेंस फील ही नहीं हो रहा है। जो द्वेष करने वाले है वाकू भी तू वही तरह से मिल रहे है, जो तेरे को चाह रहे हो वाकू भी तू वासु मिल रहे हो, जो न चाह रहे हो न देश कर रहे हो शांत भाव से तुको नहीं रख रहे हो वाकू भी तू उतनी ही शांति से मिल रहे हो। रस भरिया लोचन चारों, चारों रस वाक्य लोचन में भरे भय हैं। प्रेम सु देखो, द्वेष सु देखो, शांति सु देखो, घबरा के देखो, अद्भुत मान के देखो, जो ढंग से देखो वो एक आंख में सारे रस भरे भय हैं। जा तरह से देखो देखो अवेलेबल है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, योग्यता अयोध्या को प्रश्न कहां आ रहे हो? प्रश्न वहां आ रहे हो जा वक्त तुमको लीलानुसंधान में से तुम विचलित हो रहे हो। लीलानुसंधान को ठेका ले कौन सके? एक बात समझो, प्रोफेशनल कीर्तन करने वालों, भागवत कथा करने वालों, कौन लीलानुसंधान को ठेका ले सके? कौन को दियो गया ठेका? कोई को नहीं। तुम्हारे मन में वृज प्रकट भयो है,
ब्रजमंडल स्थिर करी तुम्हारे हृदय में स्थापित भयो है तो लीला अनुसंधान अपने आप प्रकट हो जाएगा। और ब्रजमंडल यदि हृदय में प्रकट नहीं भयो है तो जबरदस्ती लीला को लाओगे ना और वो पोपट जैसे पिंजरा खुलते ही पाछे उड़ जाए, ऐसे पाछे उड़ जाएगी लीला। लीला अनुसंधान रहने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहली आवश्यकता अपने हृदय की ब्रजमंडलता बननी जरूरी है। हृदय जो ब्रजमंडल नहीं बने तो कीर्तन गाने सु या ऐसो पाठ करने सु, वो जैसे मैं अक्सर एक मजाक में बात बताऊं कि हमारे एक समाधानी थे, वो अधिक मास में नियम लेते कैसो 100 माला ठाकुर जी की जपनी। अब दोनों काम कैसे एक साथ मेंटेन हुए? 100 माला फिरनी मैंने अच्छा खासा टाइम लगे। समाधानी को काम पाछे कॉम्प्लिकेटेड, हर क्लाइंट को पटानो, वाकू बिड़ा देनो, प्रसाद देनो, वहाँ में उनको खाने को समय प्रसाद लेने को हो जाता है तो जितनी माला बचती वो फिर उंगली से फेरने के बजाय मुट्ठी से फेर देते क्योंकि नियम लिया है ना। वो फिर यूँ नहीं फेरते क्योंकि यूँ फेरें तो फिर प्रसाद ठंडा हो जाए। तो बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि फिर वो मुट्ठी उंगली से फेरने के बजाय श्री कृष्ण चरण में, श्री कृष्ण चरण में, श्री कृष्ण चरण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण चरण में, श्री कृष्ण चरण में, श्री कृष्ण चरण, श्री कृष्ण। 100 माला 5 मिनट का काम है। अपन घबरा जाए कि 100 माला कैसे फेर सकते भाई, पर फेर काय सु रहे हो, उंगली से फेर रहे हो को मुट्ठी से? मुट्ठी से फेरो देखो, 100 माला बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी, टाइम भी वेस्ट नहीं होएगो। समाधान या को नाम तुरंत समाधान कर लियो। जितनी माला फेरी गई उंगली से उतनी उंगली से फेरो, बाकी बची उतनी माला श्री कृष्ण शरण नमो, श्री कृष्ण शरण नमो, सब मुट्ठी से फेर दो, सारी 100 माला फिर गई, नियम भी नहीं टूटे हो, माला भी फिर गई। पर प्रॉब्लम ये है कि माला तुमने डेफिनेटली फेर ली, सवाल ये है कि वाह माला में ध्यान जो है वो लीला अनुसंधान नहीं रहे है, प्रसाद अनुसंधान रहे, क्योंकि टाइम हो गया है। अब ज्यादा देर माला फेरेंगे तो प्रसाद की पातल को कितना परिश्रम हो जाएगा। वो भगवदी होने के कारण प्रसाद को इतना परिश्रम नहीं देना चाहिए। आखो इश्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वहां में, समझ में आई ना बात? तो वो बात को समझा रहे हैं कि आप सेवा करी सीखवे श्री हरि, भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की धो, आपनी लीला ते वदन पोते कही। माने सेवा भी खुद कर रहे है, लीला भी खुद कर रहे है, कथा भी वही कर रहे है, सेवा भी वही कर रहे है। ये निर्गुण भाव है। हों अब वो अपन ये समझे कि गुसाई जी की ये मोनोपोली है, डेफिनेटली उनकी मोनोपोली है, क्योंकि उनने या मोनोपोली को रेलिश करी है, पर यू कैन शेयर इट, वाकी मोनोपोली में तुम्हारा शेयर है यदि तुम तदी हो तो, वाकई शेयर होल्डर हो वाकी मोनोपोली में तुम। भतन की मोनोपोली हो पर वाकई अपन शेयर होल्डर नहीं हो सके क्या वाकी मोनोपोली के? ते समझो गुसाई जी की मोनोपोली हो एक तो होएगी, पर अपन भी वाकई शेयर होल्डर हैं पुष्टि मार्गी होने के कारण। क्यों? कि भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर नान्यथा भवेत। अपन भी वही पर्पस से प्रोड्यूसिव की भय, अपना स्वरूप कौन कैसे प्रकट भयो? आपनी सेवा ते आप सेवा करी सीखवे श्री हरि के मॉडल से अपन भी प्रोड्यूस भय। भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवे। वो रोल मॉडल हैं, और वो रोल मॉडल होंगे तो होंगे क्योंकि उनने वाको उनने वा प्रणाली को सेवा प्रणाली को जी के बतायो। अपन वाको जीनो चाह रहे हैं, बस अंतर तो ये है ना बेसिक, उनने जी के बता दियो, अपन जी के नहीं बता पा रहे हैं, वहां प्रॉब्लम है अपनी, क्योंकि अपने को अभी भक्ति में थोड़ी यहां वहां थोड़ी भक्ति भाई भक्ति है। भजने वाली भक्ति नहीं है, भक्ति भाई भक्ति है। मेरा एक बड़ा प्रिय दोहा है जो मैंने ही बनाया है कि भगत जगत को ठगत है, भगत हु जग ठग जाए, भगत हु जग जो ना ठगे तहां भगत का है फंसी जाए। कॉम्प्लिकेटेड बात है। भगत माने भागते भय को, बैठने वाले को कोई नहीं ठग सके, पर जो भाग रहे हो ना वह कोई ना कोई ठग ले। भगत जगत को
ठगत है, भागने वाले जगत को ठगे है, और भगत हु जग ठग जाए, और भागने वाले को जग भी ठग जाए। भगत जगत जो ना ठगे, भगत जो जगत को ना ठगत हो, जगत भगत जो ना ठगे, तहां भगत काहे फंस जाए। तो भगत जो हो तो भाग रहे हो तो जगत में कैसे फंस गए हो? पर जगत को मतलब क्या हुआ संस्कृत में? धीरे चलने वालों। और भगत को मतलब हो भागने वालों। तो सारे एक्सीडेंट तो भागवे में ही तो हुए ना, वो चाहे पुष्टि मार्ग हो, चाहे मर्यादा मार्ग हो, चाहे पेडेस्ट्रल हो, अपने फुटपाथ हो, भागोगे तो गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। धीरे धीरे कदम जमा के चलो तो कोई गिरने के चांसेस नहीं है। सीधी सी बात है, तो अपन भक्ति कर रहे हैं कि भगति कर रहे हैं? तो भक्ति करोगे तो गिरने के थोड़े बहुत तो चांसेस है, क्योंकि वो स्पीड जो एक्वायर करे ना अपन, वो नेचुरल नहीं है, इंस्टिगेटेड है। कोई ना कोई अपनी असद वासना सु, कोई ने कह दी कि फलाने को सानुभाव हो रहे हो, अब पेट मिसल के सानुभाव पैदा कर रहे हैं कि कहीं देखाए छे? बोले हाँ देखाए छे, ठाकुर जी देखाए छे। अरे क्या देखाए छे? बोले एक धब्बो कालो देखाए छे, ये ठाकुर जी ना मुखारविंद हो। अरे काय को ठाकुर जी को कालो धब्बा दिख रहे हो, हम ठाकुर जी को मुखारविंद काय को? पेट मिसल के सानुभाव पैदा करनो देखाए छे। पांच वक्त को देखाए छे, देखाए छे, चल नहीं देखा तो दिखने मन जाए कहाँ कहीं कहीं खरेखर कहीं तो देखाए छे हाँ त्या। ऐसे रास्ता पे खड़े हो जाओ, जो त्या त्या क्या सब लोग वहां देखने लग जाए, कहीं देखा है छे, शू देखा है छे, कहीं कहीं छे त्या, शू छे कपाल था मारे। सिचुएशन ये जब बहुत भागे ना तो यह तरीके की प्रॉब्लम हो जाए, कि देखा है छे, कुछ नहीं देखा तो दिखावा मंडे। यहने कहता टेक इट इजी, वकू नॉर्मली लो, क्योंकि ये जीवन प्रणाली है, वहां में कहीं देखवानी जरूरत नहीं थी, जीवानी जरूरत है। न देखा तो है, तो है जीवन चो आंधड़ाओ नहीं जीता शू? आंधड़ाओ जीवे छे कि नहीं जीतो? तो ये जो अपन पेट मिसल के दर्द पैदा करें कि सानुभाव प्रकट होना चाहिए तो हम सेवा करें, और चित्त जो है वो मानसी सेवा होनी चाहिए, अरे हो जाएगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, नहीं है करके शांति है चित्त में। समझो ट्रेन में वो तो बेचारे आसकान दास जी घोड़ा पे बैठे थे तो सब बच गए, ट्रेन में तुम्हारी कोई की कड़ी ढुली ना कोई पे, लोग घेर के पिटाई करेंगे तुम्हारी, क्या थी लावे हो? ट्रेन में बैठे भैया खड़े होने की तो जगह नहीं, और वहां में कोई पे कड़ी और ढुल गई, ऐसी पिटाई करेंगे लोग, देखता नहीं है क्या, अंधा हो गया है क्या, कड़ी ढोलता है हमारे पे। टेक इट इजी, व्यर्थ में खोटी धांधल मत करो। मानसी सेवा की या वक्त नहीं जरूरत है, या वक्त तुम्हारे को जीव सेवा की जो प्रणाली है वाकु अपनी जीवन प्रणाली बनाने की जरूरत है। वाके जो भी स्लो स्टेप्स हैं, उन स्लो स्टेप्स को लेने की जरूरत है। आप सेवा करी शीखवे श्री हरि, भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की दो, आपनी लीला ते वदन पोते कही, उच्चार आनंद अधिक दी दो। ये निर्गुण भाव को उनने गुसाई जी की स्तुति करके और निर्गुणा भक्ति को रोल मॉडल ईशानु कथा के रूप में गुसाई जी को यहाँ एस्टैब्लिश किया है। ये दादा भाई बहुत रिमार्केबल बात है कि जो नवमस्कंध को आ रहे हो है, तो खुद को नहीं कह रहे हैं कि हमको ये सेवा करनी है, ये कह रहे हैं कि ऐसे सेवा आपने करी, वो निर्गुणा भक्ति की सेवा आपने करी है। जो गुसाई महाप्रभु जी ने तृतीय स्कंध में जा पॉइंट को एम्फेटिकली बतायो है, स्टेप बाय स्टेप देखो गजब की इनकी सूझ है और अवेयरनेस है पूरे स्कंध के बारे में। वेद दधि मध्य नवनीत जे भजन रस, मथित माधुरी जीवे श्रवण पीधो, तक्र सम कर्मपथ स्नेह रस हीन जे श्वेत जानी विमुख ताणी लीधो। दो बात कह रहे हैं, एक गुसाई जी और एक विमुख। गुसाई जी क्या कर रहे हैं कि वेद दधि मध्य नवनीत जे भजन रस, क्यों? नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु काम आए सर्वम प्रियम भवती, वो नवनीत रस है।
वह नवनीत रस को उनने खुद ने पियो मथित माधुरी जीवे श्रवण पीधो, जीव को पिवायो कि तुम या आत्मभाव से प्रभु की सेवा करो। आत्मभाव से प्रभु की सेवा करोगे तो वह लाइफस्टाइल बन सकेगी, और आत्मभाव से प्रभु की नहीं सेवा करोगे निर्गुण भाव से, प्रभु कोई और है मैं कुछ और हूं, तो कहीं ना कहीं तुमको कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा प्रभु के साथ सेवा में, कि हम इतने दिन से सेवा कर रहे हैं पर अभी तक सानुभाव को कोई हिसाब नहीं मिल रहे हो, वो सप्लाई तो भयो ही नहीं है और चित्त भी चौंटे नहीं है, पची साली एने के हम बाजू में बेसाड़ी ना कह रहे भाई बस ये शू करे करे शू करे शू ये तो बताओ ना तुम्हें, ऐसे सब उपद्रव क्यों खूजे सूझे। वको मूल कारण ये कि आत्मभाव से अपन सेवा नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ में अननेसेसरी सेवा करने की जब अपनी तैयारी नहीं है तब अपने को जबरदस्ती थोप दी गई है सेवा। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा बेस्ट सॉल्यूशन है, वको थोड़े दिन देखो ना सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तक्र सम कर्मपथ, कर्मपथ कैसा है गोपाल दास जी कह रहे हैं कि नवनीत जैसा तो ये भजन रस है, और ये कर्मपथ कैसा है वो अपने आप ही हो सके हो, मैंने ये लिए या पॉइंट को एलोबरेट करने के लिए इतनी ये सारी रामायण गाई हो कि तक्र सम कर्मपथ कैसे हो सके है कि तक्र सम कर्मपथ स्नेह रस हीन जे, स्नेह रस सुहीन जो है वो कर्म जो है वो तक्र सम है। वाकु तुम एडॉप्ट क्यों कर रहे हो कि नवनीत भी सफेद है ये भी तो सफेद ही है ना, तो सफेद है तो ठीक है ले जाओ, सफेद तो चूना भी है वो भी ले जाओ, और सफेद तो जो है वो यूरिया को पानी भी है वो भी गिरिराज जी को स्नान करा दो, सब तक्र सम कर्म श्वेत जो सब सब एक ही श्वेत ही श्वेत है, जितना श्वेत है सब वापरो। तो वो बात गोपाल दास जी कह रहे हैं कि तक्र सम कर्म पथ स्नेह रस हीन जे श्वेत जानी विमुख है। हाँ हाँ एक मन दूध सु स्नान कराने गिरिराज जी को, श्वेत जानी विमुखे ताणी ली दो, एक मन दूध सु यमुना जी को ऐसा स्नान करा रहे हैं, श्वेत है ना, अरे श्वेत है पर यूरिया है कि दूध है चाल से श्वेत तो छे ना, नाखो तुम्हारे ऊपर या तरह से कोई नाखेगो तो तुम्हारे क्या होगी। स्नेह रस हीन जो कर्म पथ को जो श्वेत यूरिया है कि हमारे को खाली दूध चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है बस, बाकी दूसरी बात मत करो। अब वो यूरिया को होए कि घासलेट को होए कि पेट्रोल को होए कि काय को, श्वेत है कि नहीं पाउडर मिला के दूध कर दो चढ़ा दो, ये कर्म पथ है। वो विमुख जो होएगा वो ऐसे ताणेगो, और जो अभिमुख है प्रभु के वो कैसे करेगो, वेद दधि मध्य नवनीत जे भजन रस मथित माधुरी जीवे श्रवण पी दो। ये वह कॉन्ट्राडिक्शन को बता रहे हैं कि विमुख और अभिमुख में मॉडल में भगवत अभिमुख मॉडल और भगवत विमुख मॉडल के ये दो मॉडल हैं, और उन मॉडल में ए चरण विना चरण शरण विना लोक दस शर्मा कहो ने कोनो कहीं अर्थ सिद्ध। कैसे अर्थ सिद्ध होगो, ये तो वो कोई जो भजन को अपनी लाइफस्टाइल तरीके अडॉप्ट करते हुए गुसाई जी जैसो, वाकू अपन देखें वाकू अपन सोचें तो अपने को भजन कैसे करना ख्याल में आ सके। ये जो श्वेत जानी विमुख ताणी लीधो कि प्रोसेस से सेवा करने वाले हैं कि कुछ कुछ तो है कि नहीं, अरे भाई हमारे पैसा सुननी है तो तुम्हारे पैसा सु है, तुम्हारे पैसा सुनिए तो जो दर्शनार्थी करने हमको कैसे पता चले कि वो पुष्टि मार्ग ही नहीं है, श्वेत जानी विमुख ताणी ली दो, वो तो जन्म जन्मांतर के बंधन से वो ऋणानुबंध है हमारा कि हम वो हमको पैसा दे रहा है हम उससे सेवा कर रहे हैं, अरे अरे इतना ऋणानुबंध ऐसो कैसो वन वे ट्रैफिक आती कि तुमने वाकू दियो ही नहीं वही तुमको दे तो गए और तुम वाकू ऋणानुबंध दिए वो तुम्हारा ऋणानुबंध हो गए। वो श्वेत जानी विमुक्ताणी ली दो, ये या तरीके को मिस इंटरप्रिटेशन शू कहूं चतुर थई थई अने विस्तरे वानर रायो भजे नहीं पशु जन विषय की दो, बोल वल्लभ सुवन विमल वाणी जैनी गति ब्रह्मादि देवे न जानी गूढ़ रस तत्व जे वेदनी वाणी ते प्रकट की धी
भक्त हेत जाने। नंद नंदन रूपे रास लीला करी पोते न उच्चरी छानी राखी दिवस एकादनी उत्तरा कुंवरपति। सेवा कथा को निरंतर वो चला रहे हैं कि सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्तिर दृढ़ा भवेत यावत जीवम तस्य नाशो। जो अपनों जो भक्ति को जीने को जो मॉडल है वो कैसो है, व्यास नंदन विमल वदन भाखी ब्रह्मादि महामुनि अति ज्ञान पारंगत ते मधु सिंधुनि कहिए भाखी। यहाँ तक पूरी महाप्रभु गुसाई जी की माने सातवें कड़ी तक जो है वो उनने गुसाई जी की सेवा परता पर्सनल कैसी होती वो बताई। वाक्य बात क्या कह रहे हैं आठवीं कड़ी से, विबुध वांछे वास वसुमती ऊपरे श्री वल्लभ कुंवरनी से है टहल करवा। क्योंकि जो सेवा हम नहीं कर सक रहे हैं तो वल्लभ कुंवर की सेवा हम करेंगे, यदि तुम्हारे में अक्कल होए तो उनकी सेवा करोगे ना, माने परिचर्या सदा कुर्या तद वो नहीं वो हाँ तदी यही सह तत्परे अधूरे विप्रकर्षे वा यदा चित्तम न दुष्यति। वो आंखों बता रहे हैं कि घोष थी वेगे पांव धारिया गिर भणी गिरिराज धनो। या मैं देखो फूल फेंटे भरया वसन वागा तना विविध भूषण ते अंग धरवा तुरंग चालियो वायु वेगे उतावलो जाने नौका चली सिंधु करवा। फूल गुसाई जी खुद के फेंटा में भर रहे हैं, फुलगरिया को नहीं कह रहे हो। फूल जो शिवनाथ जी के लिए ले जा रहे हैं गोकुल से, वो सुबह से तैयारी करिए, फूल खुद के फेंटा में भर के ले जा रहे हैं कि इन फूलन को मैं वाली। मैंने गुल की बात करी कि गुल होना कहीं गुनाह न हो जाए, या तरह से दिल से यदि गुल शिवनाथ जी को कोई दे ना, शिवनाथ जी को भी मजा आया कि भाई गोकुल से खुद के फेंटा में भर के लाए हैं, खुद फेंटा में भर के लाए फूल की माला, खुद मुंह को अपने हाथ से पहरा रहे हैं। वह माला को पहनने में तो कुछ मजा है, और वो एजेंसी को अपन ने लिखवा दिया बर्थडे के आज शिवनाथ जी को पाठोत्सव है, माला पहुंचा दीजिए वहां, पहुंचो जी तो पहुंचो नहीं भाग जाएगा वहां के साथ, रोज माला पहुंचाएगा। तो गुसाई जी को मॉडल देखो कैसो है, गुसाई जी को मॉडल यूनिक मॉडल है। दिवस एकार्धनो विरहते युग समो निरंजन मिशे रूप धरवा। आरती क्यों करें, यालिए नहीं करें कि दर्शनार्थी को दर्शन कराने, आरती यालिए करें कि रात भर में जो देख नहीं पाए शिवनाथ जी को, आरती की उजाला में अच्छी तरह से निरख के देख लें कि जैसे वो इमेज जो है वो माइंड में हार्ट में इम्प्रेस्ड हो जाए कि जैसे फिर जब गोकुल जा रहे हैं वाह बखत कोई हरकत नहीं आवे, वाह बाह सहारे चलते रहे काम का जपनो। निरंजन मिशे जीवने आकृत्य नित्य प्रतीक्षणु कणु विठलनाथ उच्चरवा। अब बात आ रही है या तरह से सेवा परायण जो विठलनाथ है वा में कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम के जो आखी जो कंडीशन महाप्रभु जी ने समझाई है वो गुसाई जी ने जी के बताई है। क्योंकि सेवा पर एव गुरु वहां कह रहे हैं, वो उनने सेवा परता कथा परता दंभादि रहितता पूरी निभाई है, और वो निभाई है या के लिए वो कह रहे हैं कि जीवने कृत्य नित्य प्रति क्षणु क्षणु श्री विठलनाथ एवा उच्चरवा रूप बे एक ते। फिर वही निर्गुण भाव ला रहे हैं, निर्गुण भाव भूल मत जाइयो, रूप बे एक ते भिन्न थे विस्तरे विविध लीला करे भजन सार। यहां रखें अपन सवा दस हो गए, कल अपन यकु करेंगे, ये करेंगे अष्टमाख्यान तक तो शायद कर ही सकेंगे, हरकत नहीं आएगी, देखें कितना चले। पर ये आखो भक्ति को कैसे जीनो ये गोपाल दास जी ने अपने को समझाया है। आई मीन फैंटास्टिक है, नौम स्कंद की जो भक्ति की आखिरी स्टोरी है वह को कैसे फोकस गुसाई जी पे करके देख रहे हैं कि ईश के अनुगामी की कैसी कथा है कि ईश खुद अपनो अनुगामी बन्यो है, ईश खुद अपनो अनुगामी बन्यो है, और वो अनुगामी होने के कारण ईशत्व हमें सिद्ध है। सिद्ध होते भाई भी वाकु या बात की चिंता नहीं है कि जब मैं ईश हूं तो मुझको सेवा करने की क्या जरूरत है, ईश हूं या लिए सेवा करने की जरूरत है। आखो जो डिफरेंस आ रहे हो ना वो यहां आ रहे हो कि मैं ईश हूं
और भक्ति यदि कोई अच्छी चीज है तो या लिए मुझको सेवा करने की जरूरत है, मैं खुद ईश हो गया तो मुझको सेवा करने की क्या जरूरत। वह तरीके की असद वासना गुसाई जी में हती नहीं हो सके नहीं, नित्य प्रति क्षण क्षण विठल नाथ एवा उच्चरवा। या तरीके को एक रोल मॉडल अपने गुसाई जी है, जाकू गोपाल दास जी ने यहाँ ईशानु कथा के रूप में याद किया है। आश्रय को पद गा के यहाँ समाप्त करेंगे। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, साधन और नहीं या कलि में जासो होय निवेरो, सुर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव, स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहु, यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्, तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं, चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये नमः। आज अपने पुष्टि अस्मिता को जो उत्सव मनावे हैं, आपको समापन दिन है, तो अपन पुष्टि अस्मिता को गान करके ही फिर करेंगे वल्लभाख्यान। हे बारे अमे बारे वली तमे जे काय कहो ते बारे, ते बारे अमे बारे बली तमे जे काई कहो ते बारे, निष्ठाती वल्लभनी वाणी अनुसरता, निष्ठाती वल्लभनी वाणी अनुसरता, ने बहिर्मुख कहो छो तो ते वारे अमे, हे वारे वली तमे जे काई कहो ते वारे, मेवा मेळववा प्रभु ने नथी सेवता, मेवा मेळववा प्रभु ने नथी सेवता, मेवाती करवी प्रभु सेवा रे प्रभु सेवा रे वली तमे जे काई कहो ते वारे,
વાડીઓ માં ભક્તિ ના ભવાડા ગોઠવીને, વાડીઓ માં ભક્તિ ના ભવાડા ગોઠવીને, કૃષ્ણ વિક્રય ના ધન નથી લેવારે, નથી લેવારે, વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે. લક્ષ્મી ના નાથ ના નામે ભીખ માગી, લક્ષ્મી ના નાથ ના નામે ભીખ માગી, નથી કરવા મનોરથો એવા રે, અમને એવા રે, વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે. દેવનું છે દ્રવ્ય તે પ્રસાદ નથી લેતા, દેવનું છે દ્રવ્ય તે પ્રસાદ નથી લેતા, જેવો લેતા હોય તે વૈષ્ણવો કેવા રે, તેઓ કેવા રે, વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે. ભાગવતથી ભંડોળ ભેગું કરવા, ભાગવતથી ભંડોળ ભેગું કરવા, વળી લો તો નથી ધુંધુકારી જેવા રે, તેવો કેવા રે, વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે. નાણાકીય ભાવો બાંધ્યા સેવા સામગ્રીના, નાણાકીય ભાવો બાંધ્યા સેવા સામગ્રીના, પ્રભુને નથી ત્યાં લેવા દેવા રે, પુષ્ટિ પ્રભુને નથી ત્યાં લેવા દેવા રે, વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે. ગૂઢ રસ ભાવ રૂપ ઘરમાં જ સેવ્ય પ્રભુ, ગૂઢ રસ ભાવ રૂપ ઘરમાં જ સેવ્ય, નથી જાહેર કરવા જેવા રે, તે તો એવા રે, વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે. પોતાના તનથી ને પોતાના ધનથી, પોતાના તનથી ને પોતાના ધનથી, ઘરમાં કરવી છે કૃષ્ણ સેવા રે, કૃષ્ણ સેવા રે, વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે. વલ્લભની વાણી પુષ્ટિ જીવો કેમ વિસરે, વલ્લભની વાણી પુષ્ટિ જીવો કેમ વિસરે, પડ્યા નથી એવા કાંઈ એવા રે, જેવા તેવા રે, વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે. અમે વારે, અમે એ વારે, ઓ અમે વારે, અમે એ વારે, એ વારે, અમે વારે, વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે. અમે એવા રે ગીત જબ શરૂઆત મેં ગાનો શરૂ કર્યો તો એક છોટે બચ્ચાને કે કમેન્ટ મેરે પે પાસ કરી હતી કે અમે એવા રે બાવા આવ્યા, બહુ અચ્છી લગી. મુક ભી આ ગીત કે સાથ કાફી સ્ટ્રોંગ આઈડેન્ટિફિકેશન હૈ. तो पुष्टि अस्मिता को उत्सव में अपन या को डेफिनेटली गावें, क्योंकि ये पुष्टि अस्मिता अपने में होनी चाहिए. बल्कि मैं तो कहूँ मरूँ तो भी राम नाम सत्य हो जाए, पुष्टि अस्मिता गाय हो जाए तो मजा हो जाएगी, सदगति हो जाएगी मेरी.
साध पगर साध सारे चलन बदले दना दना तना चलन गलन कोई गप नहीं हा मैं बहुत थोड़ो नित्य प्रति क्षणु क्षणु समरिये परिवार रे रसना नित्य प्रति कणु क्षणु सुमारी पुरुषोत्तम प्रकटिया जगत करवा उद्धार रे रसना नित्य प्रति सर्वे भूमिनो भार रे रस ना ए वे ना बीजो सर्वे वादलु चौदलो क्षणगार रे रसना
रे रसना सुख दाता लघु ब्रात ना पूरन पुरुष प्रमाण रे रस ठड़े ताप त्रिविध टले स्मरण मात्र अघनाश रे रस सकल धुरिधार रे रसना वक्ता वेद शास्त्र तना श्री भामिनी जे तार रे रस Bye.
निजिरंजन रूढ़ला भक्त सकल विश्वाराम रे रसे बाल कृष्ण जी अति बालोड़ा सुंदर भीन ले वान रे रस ना कमल लोचन कमलापति छवि नहीं कोए समान रे रस कुलपति अति गुण निधि तात तनो प्रतिबिंब रे रस श्री पार्वती पति प्रेम शु शोभा सकल कुटुंब रे रसे